राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूरी बनाने के कांग्रेस के फैसले पर अब पार्टी के भीतर ही आवाजें उठने लगी हैं। बुधवार को कांग्रेस आलाकमान ने राम मंदिर समारोह का निमंत्रण ठुकराया। पार्टी ने अपने बयान में कहा कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी इस आयोजन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व का यही फैसला पार्टी के अंदर कलह की वजह बन गया। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अम्बरीश डेरे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि भारत भर में अनगिनत लोगों की आस्था इस नवनिर्मित मंदिर से वर्षों से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के कुछ लोगों को उस खास तरह के बयान से दूरी बनाए रखनी चाहिए और जन भावना का दिल से सम्मान करना चाहिए। इस तरह के बयान से मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए निराशा है। जय सियाराम। उधर कांग्रेस के बाकी नेताओं को पार्टी के फैसले का औचित्य सिद्ध करने में परेशानी आ रही है। ये बताना पड़ रहा है कि कांग्रेस राम विरोधी पार्टी नहीं है। हम भगवान राम के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी भगवान राम का अनुसरण करते हैं और हम अपने गांव में राम मंदिरों के दर्शन करते हैं। उन्होंने राम मंदिर बनाया है और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वे इस पर राजनीति कर रहे हैं और हम राजनीति का विरोध कर रहे हैं। But they are making politics. They are opposing politics. इससे पहले गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाड़िया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, पार्टी को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। राम मंदिर पर कांग्रेस नेतृत्व के इस फैसले की बीजेपी नेता भी खुलकर आलोचना कर रहे हैं। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के पास इस बार खुद को बदलने का मौका था, लेकिन उन्होंने ये मौका गंवा दिया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 1951 में जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब जवाहरलाल नेहरू ने भी उसमें जाने से इनकार कर दिया था। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 24 अप्रैल 1951 को जाम साहब दिग्विजय सिंह, जो कि उस समय सौराष्ट्र के प्रमुख थे, यानी लाइक टेक्निकली द चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने जब इन्वाइट किया तो नेहरू जी ने क्या लिखा था मैं बताना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस उसी परंपरा में चली आ रही है। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समारोह समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है, पर आगे महत्वपूर्ण बात लिखी, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं, मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। जाको प्रभु दारुण दुख देना ताकि मति पहले हर लीना। अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उनको ठुकरा देगी। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराकर कोई बड़ी गलती कर दी है? क्या ऐसा करके पार्टी ने बीजेपी को उसे हिंदू विरोधी कहने का एक बड़ा मौका नहीं दे दिया है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी का यह दांव उसे महंगा पड़ सकता है, या कांग्रेस ने यह फैसला ले लिया है कि सॉफ्ट हिंदुत्व तो उसका रास्ता नहीं है? देखा जाए तो कांग्रेस के नेता प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जा सकते थे और साथ में अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का जिक्र कर या इसके लिए निर्धारित जगह पर जाकर राजनीतिक संतुलन साध सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ठुकराने का फैसला लिया। दरअसल कांग्रेस ने हाल के सालों में सॉफ्ट हिंदुत्व का खूब प्रयोग किया है। राहुल और प्रियंका गांधी ने मंदिरों में पूजा पाठ भी किए। राहुल गांधी ने खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण भी बताया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने राम वन पथ गमन पर जोर लगाया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में पहुंचे। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन भी कराया। भीड़ भी जुटी लेकिन चुनाव में वोट नहीं मिल सके। पार्टी राम मंदिर के न्योते पर शुरू से पसुपेश में थी। अंदर खाने राजनीतिक नफे नुकसान का हिसाब किताब जारी था। इधर केरल में कांग्रेस की सहयोगी मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस को किसी भी सूरत में इस आयोजन में नहीं जाना चाहिए। बाद में कांग्रेस ने फैसला किया कि हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को मात वो यूं भी नहीं दे पाएगी, लिहाजा ढुलमुल सॉफ्ट हिंदुत्व की बजाय उसके कोर वोटर्स में एक स्पष्ट संदेश दिया जाए। हिंदुत्व के मामले में बीच का रास्ता अपनाने की बजाय पार्टी नेतृत्व ने एक ठोस फैसला लेना ज्यादा मुनासिब समझा। इसके बाद कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी का राजनीतिक आयोजन बता दिया। हालांकि अब बीजेपी के सवालों के जवाब देना कांग्रेस के लिए चुनौती भरा साबित हो रहा है,
क्योंकि खुद पार्टी के भीतर ही कई नेता ये मानते हैं कि कांग्रेस आलाकमान कुछ खास किस्म के नेताओं से घिरा हुआ है और ये फैसला उनकी सलाह का ही परिणाम है। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। बहरहाल चंद महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर प्रचारित करती रहेगी। दक्षिण में भी कांग्रेस की सहयोगी डीएमके के नेता लगातार सनातन धर्म के खिलाफ विवादास्पद बयान देते रहे हैं और कांग्रेस उन पर खामोश रही है। ऐसे में बीजेपी नेता कांग्रेस से सफाई मांगना जारी रखेंगे और कांग्रेस के बयान शायद ही लोगों के गले उतरें। चुनाव आज तक।